नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने आज दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सलेमपुर मोड़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी किए हुए 1,75,000 रुपये बरामद किया है। बदमाशों ने पिछले दिनों एक दुकान में ताला तोड़कर करीब 1,75,000 रुपये कैश चुरा लिए थे। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए बदमाश लंबे अरसे से दुकानों और घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये कुछ दिन पहले की बात है, मोहम्मदाबाद कस्बा में एक जो मनी चेंजर का काम करते हैं उनके यहाँ दो दिन से बंद था, तो लोगों ने चोरी कर दी और करीब 2 लाख के आसपास उन्होंने उससे कैश चोरी किया था। इस पर मुकदमा लिखा गया था 457-380 और पुलिस टीम हमारी लगी रही थी, इंस्पेक्टर मोहम्मदाबाद कस्बा इंचार्ज वहाँ की जो भी टीम है, और कल इन्होंने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उसके पास से 1,75,080 रुपये नकद बरामद कर लिया। पूछताछ पे इन लोगों को पता चला कि ये लोग पहले भी चोरी कर रहे हैं, जिनका नाम पंकज यादव और अरविंद विश्वकर्मा है, ये वहीं मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करके, इनको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब इसके और अभी छानबीन कर रहे हैं, इसमें जो भी संलिप्त होंगे जिसकी भी उनको आवाज होगी उस पर भी कार्रवाई करेंगे।